ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज़ में जनरल साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्लास एट का के चैप्टर नंबर टू में ये मैंने बताया था कि किन किन वजह से हमें मानव रोग होते हैं और मानव रोग में जीवाणु, वायरस और जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके कारण मानव रोग होते हैं, और मैं इनसे कौन कौन से रोग होते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। तो जंतुओं में भी जीवाणुओं के कारण कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे एंथ्रेक्स रोग। ये मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो एंथ्रेक्स जो रोग है ये मनुष्यों में भी होता है और मवेशियों में भी होता है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि ऊन में जो ऊन उत्पादन होता है उसमें एक अभिमार्जक की क्रिया होती है, अभिमार्जन की क्रिया में ये रोग लगने की चांसेस रहते हैं। तो गाय के खुर एवं मुंह का रोग भी वायरस द्वारा होता है। तो गाय में खुर एवं मुँह फुट एंड माउथ रोग वायरस के द्वारा फैलता है। तो वायरस के द्वारा गाय में खुर और मुंह का रोग होता है और जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। अब हम पढ़ेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो पौधों में जैसे एक टेबल बनाई हुई है, उसमें पहला रोग बताया गया है नींबू कैंकर। ये रोग जीवाणु द्वारा फैलता है और इसके संचरण का तरीका होता है वायु द्वारा फैलता है। दूसरा रोग है गेहूं की रस्ट, ये कवक द्वारा फैलता है, ये वायु एवं बीज द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत, ये वायरस द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका इसका रहता है कीट के द्वारा। अब हम देखें फूड पॉइजनिंग जो टॉपिक है, खाद्य विषांकन, मतलब खाद्य किस तरीके से विष में बदल जाता है। तो जीवाणुओं के द्वारा ही बदल जाता है विष में, जिसके कारण उल्टी होने लग जाती है और तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भोजन को ख़राब कर देते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उन विषैले पदार्थों को खाकर मनुष्य बीमार हो जाता है और इसको हम बोलते हैं खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। अब खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य को हम कैसे बचाएँ, इसकी कुछ विधियाँ दी गई हैं। जैसे कुछ रासायनिक उपाय है, जैसे नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में उपयोग में लिया जाता है, इनको परिरक्षक बोलते हैं। तो नमक और खाद्य तेल परिरक्षक के तौर पे काम में आते हैं, ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। इसका उपयोग कहाँ लेते हैं, इनका उपयोग हम अचार बनाने में लेते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, जी हाँ, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट सामान्य परिरक्षक हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में भी इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो जैम और स्क्वैश बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का उपयोग किया जाता है। नमक द्वारा परिरक्षण, नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम जेली स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से क्या होता है, खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है, खाद्य पदार्थ में जो गीलापन होता है उसमें कमी आ जाती है, और अगर गीलापन अगर कम होगा तो जीवाणुओं की वृद्धि भी कम होगी। तेल एवं सिरके का परिरक्षण, तेल एवं सिरके का प्रयोग करके भी अचार को संदूषण से बचाया जा सकता है, वे तेल में जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, आपने अपनी माँ को दूध उबालते हुए देखा था। दूध उबालने से क्या होता है, कई सारे जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमें जो थैलियों में दूध प्राप्त होता है, सरस का, अमूल का, ये सब दूध पहले पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को
गर्म किया जाता है तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर उसको ठंडा करके भंडारण करते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसको पाश्चरीकरण की प्रक्रिया में हम दूध को पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, फिर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके फिर एकाएक ठंडा करके उसको भंडारण कर लेते हैं तो वो दूध ख़राब नहीं होता है। भंडारण एंड पैकिंग, जो पैकिंग होती है खाद्य पदार्थों की वो एयर टाइट होती है, मतलब वायु रोधी, उसके अंदर वायु नहीं होती है, तो अगर वायु नहीं होगी तो वो सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहते हैं। अब अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।